कब तक चलेगी? तस्वीरें आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो एनडीए की बैठक ही हो या इंडिया गठबंधन की बैठक की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके यहां पर सभी के शामिल होने का सिलसिला जारी है। तमाम जो सहयोगी हैं वो पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी देर में, अब किसी भी पल ये जानकारी शिवम दे सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। तो शिवम अगर हमें हमारे साथ जुड़े हुए हो तो शिवम सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। इस वक्त सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बैठक में पहुंच चुकी हैं, आप सांसद संजय सिंह बैठक में पहुंच चुके हैं, तमाम नेता धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। 6:30 बजे के आसपास वो समय बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी तो 6:30 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी और आज का दिन ये बहुत खास हो जाता है शिवम, क्योंकि यहाँ पर तमाम सहयोगी जो है वो एक अपने अपने भविष्य के लिए एक बड़ा रास्ता देख रहे हैं और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस ने जो हमेशा गठबंधन के धर्म में कहीं ना कहीं अपना हट दिखाती आई है, जिद्दी बड़े भाई का रूप दिखाती आई है, लेकिन इस बार बड़प्पन दिखा रही है धर्म को निभाने में। अब देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस ये मानती है कि उनका पहला लक्ष्य है मोदी सरकार को हटाना और प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना, तो उसी के तहत कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री मोदी विरोधी अभियान के तहत किसी भी तरीके की कुर्बानी देने को तैयार है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चाहती है कि जिस तरीके से सीटें आई हैं, एक मैंडेट जनता ने दिया है, 100 के आसपास कांग्रेस को सीटें दी हैं, ऐसे में सरकार बनाने का प्रयास किया जाए। यही एक वजह है कि आपको पता होगा कल ही शरद पवार ने पीछे से, मतलब जो बैकडोर चैनल होता है, उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी थी और अभी आप विजुअल में देखें तो नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव आपको नजर आएंगे चलते हुए, हालांकि वो आजकल काफी छोटे हैं लेकिन विजुअल्स में दिखेंगे आपको धीरे धीरे चलते हुए, और उनके साथ संजय यादव जो सांसद है उनके वो नजर आएंगे। सर विवेक जी एक थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी, सर विजुअल बन रहा है तो आप अगर देखेंगे तो आपको विजुअल्स में नजर आएंगे तेजस्वी यादव पहुंच गए। तमाम ऐसे नेता हैं जो धीरे धीरे बैठक में पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है आज की बैठक न सिर्फ विपक्ष के आने वाले समय का एजेंडा तय करेगी बल्कि कैसे बीजेपी को फेस करना है, कैसे एनडीए को फेस करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, किन घटक दलों से बात की जाएगी या फिर विपक्ष में बैठना है, इन तमाम चीजों को लेकर आज औपचारिक तौर पर सहमति बन जाएगी। ऐलान भी हो सकता है कि कौन कन्वेनर हो या उस पर चर्चा भी हो सकती है। शिवम लौटेंगे आपके पास, ललित के मन में सवाल है आपके लिए, मालूम पड़ा उनकी मुस्कान को देखकर, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता रहे सभी 15 दलों ने नड्डा को, जेपी नड्डा को सौंप दिया है, 15 छोटे बड़े दल एनडीए को समर्थन देंगे। अमित शाह ने सभी 15 दलों से बात की है और सभी 15 दलों ने जेपी नड्डा को समर्थन पत्र सौंप दिया है, सूत्र बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए एनडीए की सेहत स्वस्थ रहे इसके लिए सभी से खुद बात की है अमित शाह ने और समर्थन पत्र सौंपा गया है, छोटे बड़े दल सभी की ओर से एनडीए को समर्थन देने के लिए समर्थन पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया गया है। प्री पोल अलायंस है तो ऐसे में समर्थन पत्र सौंपने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कोई भी संशय ना रहे इसलिए दिया गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आज का दिन या आज की शाम कह लीजिए बैठक के लिहाज से बहुत खास, एक बैठक जो खत्म हो चुकी है एनडीए की बैठक, एक बैठक जो अब कभी भी शुरू हो सकती है इंडिया अलायंस की बैठक, और हर बैठक की जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें भी, एनडीए की बैठक खत्म हुई है उसमें ये कहा गया है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, इंडिया गठबंधन की बैठक जहां ये चर्चा होगी किस तरह से अब भविष्य को लेकर कदम आगे उठाए जाए, गठबंधन के सभी सहयोगी के साथ चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, राहुल गांधी ने कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती है ये, यहां इस बैठक में नजरें सभी की चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और जेडीयू नीतीश कुमार पर बनी रही, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें काफी कुछ बयान करती है ललित है। और ये भी तय है जब हम अमित शाह का जिक्र कर देते हैं ना तो राजनीतिक परिस्थितियां अचानक से बदल जाती हैं, ये भी तय है, हमने हर बार देखा है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्लान ए ही है, प्लान बी तैयार होता है, प्लान सी तैयार होता है, उसे बाकायदा एग्जीक्यूशन में रखा गया होता है।
तो तमाम जो समीकरण है वो पहले ही साथ लिए गए होंगे। हाँ, एक बात है कि अब जो बैठकों के सिलसिले और डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी रफ्तार में ली जा रही है। बहुत शुरुआत में अपना याद होगा आपको, जब परिणाम वगैरह आए थे तब हमने बात सुनी थी कि नहीं कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री शपथ ली जाएगी या कुछ दिन बाद ये इस तरह का सिलसिला होगा, लेकिन कल इंडिया की तरफ से जिस तरह की बातें आईं उसके बाद से एक रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी हुई है, एनडीए की भी रफ्तार बढ़ी हुई है, यही वजह है। हालांकि इंडिया ने कल जिस तरह की बातें की कि कोई फॉर्मूले देने वाली बात उन्होंने की, या जो अलग अलग बातें आईं कि किसे क्या जिम्मेदारी दे दी जाएगी, नीतीश कुमार का नाम आया, चंद्रबाबू नायडू का नाम आया, लेकिन उसके बाद एनडीए की रफ्तार बढ़ी हुई है, सवाल बात एक। दूसरा, कल जो इंडिया फॉर्मूले दे रही थी, आज कुछ बातें ऐसी भी आ रही कि नहीं विपक्ष में बैठना है या फिर सरकार फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है, तो ये थोड़ा सा पसोपेश आया है, ये बता रहा है कि हाँ अभी डिसीजन मेकिंग वहां पर हुई नहीं है। और इंडिया गठबंधन की जो तस्वीरें आ रही है उसमें एक दिलचस्प चीज आप ये भी देख पा रही होंगे कि जिन लड़कों के जादू की बात कही गई, जिन नई पीढ़ी के जो राजनेता है जिन्होंने जिम्मेदारियां संभाली अलग अलग राज्यों में, उसके साथ साथ खांटी किस्म के राजनेता जैसे शरद पवार है, खांटी किस्म के राजनेता भी एक ही जगह नजर आ रहे हैं। ये उस इंडिया अलायंस की एक बेहतरीन सी तस्वीर है। शिवम अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो शिवम से मैं एक सवाल भी पूछना चाहूंगा कि शिवम, कल से लेकर आज तक इंडिया अलायंस के रुख में क्या क्या तब्दीलियां नजर आई? ललित, शायद शिवम हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण आपने बात की। देखिए, कोऑर्डिनेशन जो बैठाया गया है, कहे ना कि एक तरफ सीजंड पॉलिटिशियन है जो गाइड करने के लिए, क्योंकि इस तरह के जब हालात बनते हैं ना, जाहिर तौर पर जो युवा नेता है इन हालातों से किस तरह डील किया जाए उनका एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होता है। और राजनीति संभावनाओं का ही खेल है, संभावनाओं का खेल समझते हुए पूरा पूरा फायदा उठाना भी, ये इसके लिए सियासत में गहरा अनुभव चाहिए जो शरद पवार के पास है, नीतीश कुमार के पास है, नायडू के पास है, और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी है, उन्हें हम नहीं भूल सकते हैं। वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे, कल अब आप देखिए किस तरीके से नाम अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया गया, बड़ा दलित चेहरा, उनकी अपनी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो रूह कांप जाएगी किस तरह से उनके शुरुआती जीवन में हुआ जब वो टीनेज में थे, तो उनके नाम को प्रोजेक्ट करना किसी तरह से, कल जो हम लगातार चला रहे थे सूत्रों के हवाले से कि जो चेहरा होंगे प्रधानमंत्री के लिए जो चेहरा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उसमें भी बड़ी सोच समझ और उसका एक तरह से प्रोजेक्शन दिखा है। को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ, लेकिन देखिए यहाँ पर जनता के मन में भी कई सवाल है, उन सवालों को समझने के लिए, उन सवालों के जवाब देने के लिए हमने भी तैयारी की हुई है। आपको समीकरण समझाते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, अब किसी भी पल शुरू हो सकती है। जोड़ तोड़ किस तरह से हो सकता है सरकार बनाने को लेकर अगर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता है तो? इंडिया गठबंधन के पास जादुई आंकड़ा नहीं है, वो सब जानते हैं, तो ऐसे में सवाल है कि कैसे बहुमत के आंकड़े को वो हासिल कर सकती है, इसे आपको समझाते हैं। नीतीश कुमार पर निगाहें क्यों है? नीतीश कुमार जो कई बार यूटर्न पहले भी ले चुके हैं, और अगर इस बार नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन को अपने साथ लाना है तो ऐसा क्या देना होगा? प्रधानमंत्री पद के ऑफर की बात कही जा रही है, इंडिया गठबंधन कैसे सरकार बना सकता है, बड़ा सवाल है, कैसे बना सकता है? इंडिया के पास है 234 का आंकड़ा, जेडीयू 12, हम 1, एलजेपी 5, शिवसेना शिंदे गुट, देखिए ये जो सारे यहां पर 4, एनसीपी अजीत पवार गुट 1, आदर्श 4, एआईएमआईएम, तमाम जो आंकड़े देख रहे हैं, 272 चाहिए बहुमत के आंकड़े के लिए और 281 चाहिए टोटल यहां पर हो रहा है। जेडीयू जो अभी एनडीए का हिस्सा है, अगर प्रधानमंत्री पद के ऑफर के नाम पर इंडिया गठबंधन उनसे बात करता है तो ये बात कही जा रही है कि समर्थन जेडीयू दे सकते हैं। हम भी जो है वो इस समय एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा अगर पाना चाहता है तो चिराग पासवान, क्योंकि नीतीश कुमार को आगे कर प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर चिराग पासवान एलजेपी 5 सांसदों के साथ आ सकते हैं इंडिया अलायंस में। हम मांझी के पास 1 सांसद है, लेकिन वो भी बार्गेनिंग करने में महारत रखते हैं, तो हम भी नीतीश कुमार को पीएम बनाने के नाम पर इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकते हैं। जेडीयू के पास 12 सांसद है, जबकि जीतन राम मांझी के पास 1 है, और हमने आपको बताया कि शिवसेना शिंदे गुट के 4 सांसद और एनसीपी अजीत पवार का समर्थन भी मिल सकता है। तो ऐसे में यहां
इंडिया अलायंस के पास बहुमत का आंकड़े से ज्यादा नंबर हो सकता है। अलायंस की बैठक में कौन कौन पहुंचा है? राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं हमने आपको बताई है। अखिलेश यादव को हमने सुना था, अखिलेश यादव भी यहां पहुंच चुके हैं इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा बनने के लिए। और समीकरणों की वापस बात करते हैं, फॉर्मूले की, कि नीतीश कुमार को, एक पिछड़े समाज से आने वाले नेता को, अगर आगे करते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर तो चिराग पासवान आ सकते हैं साथ में, मांझी साथ में आ सकते हैं, और इस तरह सभी को साथ में लाते हुए इंडिया अलायंस सरकार बना सकता है। ललित, हम फॉर्मूले और सिनेरियो पे बात कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, चूंकि अभी अभी कैंपेनिंग निकली है, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की तलखियां, तमाम तरह के बयान हमने सुने हैं, ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों को समझा बुझाकर इस खेमे में लेकर आना, वो भी तब जबकि राजनीतिक अस्थिरता, हमने देखा है इससे पहले भी किस तरह की सरकार चली। कल हम जब लोगों की डिमांड्स पे बात कर रहे थे तब भी ये बात निकलकर सामने आई कि साहब सरकार ऐसी चाहिए जो मजबूती से काम करे और तेजी से काम करे। इस वजह से ऐसा लगता है कि इंडिया के ये जो समीकरण है, इतने सारे लोगों को लेकर आना, ऐसा भी नहीं कि अगर हम सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को ले आए, नीतीश कुमार को ले आए तब स्थिति मजबूत हो जाए, तब भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इस वजह से थोड़ा सा लगता है कि प्रैक्टिकली इसे पूरा करने जिस तरह की राजनीति सूझबूझ और समझ का परिचय दे रहे हैं युवा नेता, खासतौर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो चाहेंगे कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठे, ना कि वो एक सबको साथ लेकर एक मजबूरी वाली सरकार चलाए आगे। क्या हाँ, मतलब वो वैसी ना हो जाएगी ना कि हर किसी के पास पतवार है, हर कोई अपने अपने तरफ से मोड़ना चाह रहा है, हर किसी के हाथ में स्टीयरिंग है, हर किसी के हाथ में गियर दे दिए गए, हर किसी के पास ब्रेक की कमांड हो गई, वहां स्थितियां बहुत ज्यादा विचित्र हो जाएंगी। तो अब ये सब तय हो जाएगा कुछ देर बाद, जब इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद धीरे धीरे खबरें बाहर निकल कर आएंगी, नेता आएंगे, वो कुछ बयान देंगे, उसके बाद ये स्थितियां और ज्यादा साफ हो जाएंगी। दिखा रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव अभिवादन करते हुए, रामगोपाल यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 60 के आसपास रहेगी जो उनका 2019 का परिणाम है, लेकिन अब उनका जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी ने सीटें जीती उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिला और उन्हें भी कांग्रेस की भी कई सीटें आ गई। ऐसे में अखिलेश यादव, आप देखिए कॉन्फिडेंस चेहरे पर है, एक तरीके से जब नेता जीत कर आता है, इतने स्ट्रांग जोन से जीत कर आता है और जिस तरीके का यूपी में परिणाम आया, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन बेहद उत्साहित है। यही एक वजह कि आज सारे बड़े तमाम नेता दिल्ली में खड़गे के आवास पर पहुंचे हुए हैं और आज की बैठक भी इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि औपचारिक तौर पर बैठक के बाद ये जानकारी सामने आ जाएगी कि क्या एनडीए के लिए मुश्किल बढ़ेगी, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास करेगा, या फिर यही एक वजह है कि ये भी मानते हैं जो इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के रणनीतिकार हैं कि बीजेपी इतनी जल्दबाजी भी इसीलिए कर रही है, बैठक समर्थन पत्र लेना, बैठक लेना, तुरंत राष्ट्रपति से मुलाकात करना, समर्थन पत्र सौंपना। शिवम, बिल्कुल सही बात आपने कही कि देखिए इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का क्या फैसला रहता है। ललित, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह की राजनीतिक सूझबूझ का परिचय इन युवा नेताओं ने दिया है, ये संभावना ज्यादा है कि मजबूत विपक्ष के तौर पर ये दिखाई दे, क्योंकि अगले कुछ समय में ही हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी न है। बिल्कुल, और ये जो आपने बात कही कि ज्यादा तजुर्बे के साथ, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम हो रहा है, कल से आप जो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि इससे पहले कांग्रेस का रवैया बहुत अड़ियल रहा है। जो प्री पोल अलायंस की बात हुई थी, कहीं से बात हो पाई, कहीं से बात नहीं हो पाई, वायनाड सीट से ही जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका भी कैंडिडेट उतर गया, वो बात ठीक है कि वायनाड का नतीजा राहुल गांधी के पक्ष में गया, लेकिन फिर भी इस तरह की परिस्थितियां बनी थी, लेकिन उस रवैये में कमी आई है। अब सबको साथ लेकर चलने की बात, भले ही बीजेपी हमलावर रही हो कि इतने सारे भानुमति का कुनबा और इतने सारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ज्यादा दल एनडीए में है, इसके बावजूद वहां पूरी यूनिटी के साथ काम होता है। उससे कम संख्या है इंडिया में, तकरीबन 28 मेरे ख्याल से ये संख्या जो दल है, तो वो भी बतौर विपक्ष आप भी एक साथ चलने का एक मैसेज भी दे सकते हैं। और जिसका आपने जिक्र किया कि आगे विधानसभा चुनाव है,
कल के जो परिणाम आए उससे पार्टियां उत्साहित हैं। यूपी में जिस तरह की स्थितियां बनी उससे उत्साह बढ़ा हुआ है। और एक बात जो आज हमने चर्चा की, तकरीबन 5 बजे जब हम वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने एक और बात साफ की है कि जहां जहां गठबंधन ने एक साथ कोशिश की है वहां सक्सेस रेट ज्यादा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह की स्थितियां बनी है, सुपड़ा साफ जैसी स्थितियां बनी है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति अकेले चुनाव लड़ते नजर आए। भूपेश बघेल अकेले चुनाव लड़ रहे थे, कमलनाथ अकेले चुनाव लड़ रहे थे, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह अकेले चुनाव लड़ रहे थे। और अकेले चुनाव लड़ने के चक्कर में क्या स्थितियां हुई, क्या दुर्गति हुई, ये शब्द ज्यादा बेहतर है, क्या दुर्गति हुई। लेकिन जहां जहां गठबंधन के साथ कोशिश की गई, एक तो वोट मिला, जो पार्टी साथ में उसका वोट मिल गया, दूसरा साझा मेहनत का परिणाम वो अलग निकल कर आया, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, या बाकी जगहों पर दक्षिण में सक्सेस रेट की बात कर ली जाए तो वो राहुल गांधी के पक्ष में ज्यादा है रैलियों और भाषणों का। तो कुल जमा जहां साझा प्रयास किया गया वहां ज्यादा बेहतर नतीजे आए हैं। अब अगर विपक्ष साझा प्रयास करे तो आपने बात बहुत अच्छी कही, जहां पर सूझबूझ दिखाते हुए साझा प्रयास किए गए वहां परिणाम ज्यादा सुखद रहे। और एक और बात, सफलता वहां वहां मिली जहां पर संघर्ष दिखा है साझा। जाहिरा तौर पर आपको याद होगा कि यही साइकिल चली थी, यही दो दोस्त थे और साइकिल पंचर हो गई थी और इन्हीं दोनों दोस्तों को इतना ज्यादा सुनना पड़ा था, इतने हमले हुए थे। और अब यही वो जोड़ी है जिसने सबसे सियासी तौर पर सबसे बड़े राज्य में किस तरह के समीकरण बनाकर खड़े कर दिए। हालांकि सामने जो पार्टी है उसकी रफ्तार, उसकी रणनीति, उसकी तेजी और उसके मूव्स वो ज्यादा तेज है, इस वजह से क्या आगे होगा ये कहना तो अभी सब बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन इसी जोड़ी को घनघोर नाकाम होते हुए देखा गया और इसी जोड़ी ने अब कामयाबी की एक नई डेफिनेशन भी दी है, ये भी फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम यहाँ पर देखिए हर समीकरण पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझना होगा कि इंडिया अलायंस के पास समीकरण क्या है और यहाँ समझना होगा कि जो एनडीए है वो क्यों कह रहा है कि देखिए हम हर तरह से सुरक्षित हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि तीन स्थितियों को समझते हैं। टीडीपी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है एनडीए के अंदर, अगर वो अलग होती है तो एनडीए की सीटें हो जाएंगी 16 माइनस कर दीजिए, 292 में से 16 माइनस कर दीजिए, फिर भी एनडीए के पास बहुमत से 272 से 4 सीटें ज्यादा प्लस में रहेंगी। अब एक और तस्वीर समझिए, अगर एनडीए से जेडीयू जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है अगर वो अलग होती है एनडीए के अंदर, 12 सीटें 12 सांसद कम कर दीजिए, तब भी एनडीए के पास बहुमत से 8 का आंकड़ा ज्यादा रहेगा। अब तीसरा सूरत हाल समझ लीजिए, अगर एनडीए से जेडीयू और टीडीपी दोनों को ही अलग कर दिया जाए तो एनडीए बहुमत से 8 सीटें पीछे रह जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या है नजर, 18 निर्दलीय प्रत्याशियों पर नजर है और इनके साथ इन्हें अपने साथ लेकर एनडीए सरकार चला सकता है। तो ये तीन सूरत हाल है जिन पर इस समय गौर किया जा रहा है कि कैसे कैसे अगर ये हालात होते हैं पहली तस्वीर तो क्या फॉर्मूला हो सकता है। ललित से इन सूरत हाल पर भी बात करेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे जो इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।